हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड पार मीर इजी की समरी। हम लोग इस वीडियो सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेशन नंबर 42 से 43, 44 के जो हमारे चैप्टर्स हैं उनकी वोकैबुलरी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये समरी प्रस्तुत की जा रही है मेरे यानी अमन त्रिवेदी द्वारा एंड आप मेरे बारे में इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी पूरी वीडियो सीरीज़ है आप पूरी प्लेलिस्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसमें मैंने आपके सेशन 1 से लेके हम आज की तारीख में 44 तक के सेशंस कवर कर लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग 46 सेशन हो जाएंगे, यानी कि अगले वीडियो में हमारी ये किताब कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम अगर इस सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं 46 पे तो इसमें किताब के एंड में कुछ और वोकैबुलरी भी दी हुई है, तो क्या आप उसको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जो भी आपके सजेशन हैं, सुझाव हैं, आप मुझे उस कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने आप सुझाव 8299117042, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे अपने सुझाव अपने सजेशंस भी भेज सकते हैं। तो इसके अलावा अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टू एडवांस कोर्स है जो पूरे जून महीने में चलेगा। इसके अलावा एरर डिटेक्शन का कोर्स है जो कि 1 जून से शुरू हो रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का कोर्स है जो कि 8 जून से शुरू हो रहा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कोर्स है जो 15 जून से शुरू हो रहा है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का कोर्स है जो कि 23 जून से शुरू हो रहा है। इन सारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल अनअकैडमी प्लस कोर्सेज। अगर आप फर्दर डिस्काउंट चाहते हैं या आपकी कोई और इंक्वायरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 8299117042 नंबर पे, जहां से आपको कोई भी क्वेरी होगी तो उसका समाधान मैं दे दूंगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप इन सारे टीचर्स से पढ़ पाएंगे, जितने भी टीचर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसमें आपको अगर आपको रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा AMANT, इससे आपको जितने भी टीचर्स दिख रहे हैं आप इन सब से पढ़ सकते हैं, सभी की क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। तो बात को शुरू करते हैं आपके, और अगर आप इस सेशन की PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल @AmanTrivedi ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करिए टेलीग्राम पे @AmanTrivedi तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। चलिए बात को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट व्हाट गोज ऑन, यानी कि जो चल रहा है इसके बारे में हम कैसे बात करेंगे। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में इन्हीं से रिलेटेड शब्दों को देखेंगे। तो हमारा जो पहला रूट वर्ड है आज का वो है नर्वस। नर्वस का मतलब क्या होता है? नर्व, ठीक है। और हमारा इसमें हमें प्रीफिक्स मिलता है, ईएक्स। ईएक्स मतलब क्या होता है? आउट, ठीक है। तो हमारा एक रूट वर्ड हो गया ये और ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो शब्द के शुरुआत में लगता है, रूट वर्ड मतलब जो शब्द के बाद में लगता है, ठीक है। शब्द क्या बनता है हमारा? एनर्वेट। एनर्वेट का मतलब, एनर्वेट क्या है? एनर्वेट इज अ वर्ब। मीनिंग क्या हो जाता है? टू मेक समबडी फील वीक एंड टायर्ड। किसी को बहुत ही ज़्यादा वीक और टायर्ड फील कराने को हम कहते हैं एनर्वेट करना, यानी कि बहुत ही थका हुआ फील कर रहे हैं आप या बहुत ही ज़्यादा वीक कमज़ोर फील कर रहे हैं तो आप क्या होगे, उसे क्या बोलोगे? एनर्वेट फील कराना, ठीक। सिनोनिम इसके हमारे क्या हो जाते हैं? कैस्ट्रेट, डैम्प, डैम्पन, डेडन या फिर डिहाइड्रेट या फिर डेसिकेट आपका। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? ब्रेस, एनर्जाइज, एनलिवेन, इनविगोरेट या फिर क्विकन, यानी किसी को एनर्जाइज करना, स्टिमुलेट और वाइटलाइज। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं अ हॉट क्लाइमेट एनर्वेट्स पीपल हु आर यूज्ड टू इट, यानी कि हॉट क्लाइमेट से हम जब ज़्यादा गर्मी होती है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमें कमजोरी फील आने लगती है, जो कि जो लोग ऐसे लोग जो लोग कि उसके यूज टू नहीं होते हैं, ठीक है। इसका नाउन क्या हो जाएगा? एनर्वेशन। मैंने आपको पूरी वीडियो सीरीज में आपको सफिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि अगर किसी के एंड में TION आएगा तो क्या बनेगा वो? नाउन। इसीलिए एनर्वेशन क्या बन गया? नाउन, ठीक। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं इस इमेज के थ्रू इसे, या फिर आप इसे याद रख सकते हैं एनर्वेट को कैसे, इस मीम के थ्रू याद रख सकते हैं कि बंटी की भाई दोनों टांगे गई तो वो क्या हो गया? ही इज एनर्वेटेड, यानी कि अभी वो काफी वीक और काफी कमजोर फील करेगा। समझ में आई बात? तो दोनों टांगे गई ली भाई की, ठीक है। चलिए अगला हमारा जो रूट वर्ड है वो है एर्गॉन। एर्गॉन का मतलब हो जाता है वर्क, काम, और इसमें हमारा प्रीफिक्स मिलता है EN, मतलब हो जाता है इन, ठीक है। अब देखिए वर्ड हमारा क्या आता है? एनर्जी। तो एर्गॉन, एर्जी मतलब क्या हो गया? वर्क, इन मतलब हो गया
इन यानी कि वर्क में एनर्जी, यानी कि आप एनर्जी, आप सभी को पता है, इसमें मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। द स्ट्रेंथ एफर्ट एंड एंथुजियाज रिक्वायर्ड फॉर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी इज कॉल्ड एनर्जी। सिनोनिम हो जाएंगे ड्राइव, फोर्स, माइट, पोटेंसी या फिर पावर, और स्टेमिना या स्ट्रेंथ। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनर्शिया। एग्जाम्पल हो जाएगा ही एक्सपेंड्स एनर्जी, ग्रेट एनर्जी ट्राइंग टू हेल्प देम, यानी कि उनको मदद करने में काफ़ी एनर्जी वो खर्च करता है। ठीक है, तो ये सिंपल था, इसे याद रख सकते हैं आप। अगला हमारा रूट वर्ड वही है आपका अर्गॉन। प्रीफिक्स इसमें मिलता है आपका सिन। तो सिन का मतलब क्या हो गया? टुगेदर और विद, यानी कि साथ में। सिन अगर किसी में आएगा तो मतलब है टुगेदर और विद। अर्गॉन हो गया वर्क। वर्ड क्या बनता है हमारा? सिनर्जिज्म। आईएसएम अगर किसी में सफिक्स आएगा तो वो क्या बनेगा? नाउन। तो सिनर मतलब सिन मतलब हो गया टुगेदर, अर्ज मतलब हो गया वर्क, मतलब हो गया साथ साथ काम करना। कहने का मतलब हो गया वर्किंग टुगेदर ऑफ टू थिंग्स टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट्स या एफर्ट्स। यानी कि आप दो लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं जिससे कि जो एक व्यक्ति का एफर्ट है उससे ज़्यादा एफर्ट आए, तो उसे कहते हैं सिनर्जिज्म, मतलब एक से भले दो। ठीक है, सिनोनिम एग्जांपल के तौर पे टू डिपेक्ट द सिनर्जिज्म ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स आई यूज द वेन डायग्राम। उन इंग्रेडिएंट्स का जो एक साथ यूज होना है, मतलब वेन डायग्राम से हम क्या बताते हैं कि एक ए इंग्रेडिएंट एक बी इंग्रेडिएंट है, इनका कितना इस्तेमाल है टुगेदर। ठीक है, एडवर्ब इसका क्या हो जाएगा? सिनर्जिस्टिकली। तो इसमें हमने सिनर्जी में सिनर्जिटिक टीआईसी लगाया तो एडजेक्टिव बन गया, एलवाई लगा दिया तो आपका एडवर्ब बन गया। नाउन क्या हो जाएगा? सिनर्जी। सिनर्जिज्म भी नाउन है, सिनर्जी भी नाउन है। ठीक है, और आपका याद रख सकते हैं सिनर्जिज्म को आप कैसे। सिनर्जिज्म आपको याद होगा, आप लोगों ने ब्रेकिंग बैड सीरीज देखी होगी, सो देयर वाज सिनर्जिज्म बिटवीन दीज टू बिकॉज तभी वो लोग उसे ब्लू मेथ को प्रोड्यूस कर पाते थे। ठीक है, इफ़ यू हैव वॉच्ड ब्रेकिंग बैड, आपने पता होगा, नहीं देखी होगी तो आप ऐसे समझ लो कि ही इज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर एंड ही इज हिज स्टूडेंट, और ये दोनों मिलकर ड्रग्स बनाते हैं। ठीक है, अगला वर्ड हमारा क्या आता है? कास्टिगेट। कास्टिगेट मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समबडी समथिंग और योर सेल्फ सीवियरली, किसी को बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना, जैसे कि ये लेडी इसे क्रिटिसाइज कर रही है, यानी कि इसे डांटना, आलोचना करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेस्ट, बॉल आउट, बिरेट, कॉल डाउन, चेस्टाइज, च्यू आउट, ड्रेस डाउन, और एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सक्यूज, पार्डन, स्पेयर या फिर अप्लॉड यानी तारीफ करना। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं द जज कास्टिगेटेड द लॉयर्स फॉर दियर लैक ऑफ प्रिपरेशन, उनकी तैयारी में कमी के कारण जज ने लॉयर्स को कास्टिगेट किया, उन्हें क्रिटिसाइज किया। ठीक है, और नाउन क्या हो जाएगा? कास्टिगेशन। ठीक, अब हमारा कास्टिगेट आप याद रख सकते हैं इसके थ्रू, मैं इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आई थिंक आप खुद समझदार हैं। समझ में आ गया हो तो कमेंट में लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा समझ में आया है तो। अगला हमारा रूट वर्ड है निगो। निगो का मतलब हो जाता है टू डिनाय। ठीक, इसमें हमारा प्रीफिक्स मिलता है ए बी, ए बी का मतलब हो जाता है अवे। ठीक, वर्ड क्या बना हमारा? अब निगेट। तो इसे याद रखने का सिंपल सा तरीका है अब नहीं, अब निगेट मतलब अब नहीं। ठीक, वर्ब है आपका, मीनिंग हो जाएगा डिनाई योर सेल्फ समथिंग, रेस्ट्रेन स्पेशली फ्रॉम इंडल्जिंग इन सम प्लेजर, यानी कि खुद को मना करना किसी, खुद को रोकना किसी प्लेजर में, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से। ठीक, तो अब निगेट मतलब अब नहीं। ठीक, सिनोनिम हो जाएगा अबडिकेट, सीड, रिलिंक्विश, रिनाउंस, रिजाइन या फिर स्टेप असाइड फ्रॉम, स्टेप डाउन फ्रॉम या सरेंडर, मना करना किसी चीज़ के लिए। और एग्जांपल के तौर पे याद रख सकते हैं टू अबनिगेट योर सेल्फ इज द बेस्ट वे टू गेट क्लोज टू योर सेल्फ, यानी कि खुद को रिस्ट्रेन करना, खुद को सीमित करना सबसे बेहतर तरीका है खुद से खुद के करीब आने का। ठीक है, याद रख सकते हैं आप इसे। अब निगेट को याद रखने का सिंपल सा, आपने ये मीम देखा होगा। ठीक है, नहीं मतलब अब नहीं, सिंपल सा अब निगेट मतलब अब नहीं, खुद को सीमित करना, किसी काम से मना करना, उसे कहते हैं अब निगेट। ठीक, निगो क्या हो गया आपका? टू डिनाय, इसी से वर्ड बन गया सेल्फ एब्निगेशन। तो सेल्फ एब्निगेशन मतलब सेल्फ डिनायल। ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा ऑल्ट्रिज्म, सेल्फ डिसिप्लिन, एस्केटिज्म या सेल्फ डिप्राइवेशन, यानी कि आप ज़्यादातर अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, ज़्यादा ऐसी चीज़ों को में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं जो कि विच आर मीन फॉर ओनली प्लेजर। ठीक है, और सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा सेल्फ इंडल्जेंस।
फॉर एग्जाम्पल, शुड मदरहुड नेसेसरली मीन सेक्रीफाइस एंड सेल्फ एब्निगेशन, क्या मदरहुड के में सेक्रीफाइस यानी त्याग और सेल्फ एब्निगेशन, सेल्फ डिनाइल यानी खुद को रिस्ट्रेन करना, खुद को सीमित करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला हमारा रूट वर्ड क्या है, नीगो मतलब टू डिनाय, वर्ड क्या बना इससे, निगेट, एक सेकेंड, सॉरी हमारा वर्ड बना निगेट, निगेट हो गया टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैविंग एनी इफेक्ट, निगेट करना मतलब निगेटिव करना, आपने निगेटिव पढ़ा है, निगेटिव लिखते हैं निगेटिव, ठीक है, तो निगेट करना मतलब किसी चीज को निगेटिव करना, किसी चीज को रोकना किसी चीज में, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेडिक्ट, डिनाय, डिसअफर्म या फिर डिसअलाउ, और डिसवाओ या डिसक्लेम, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, अक्नॉलेज, एडमिट, अलाउ या अवाउ, कंसीड, कन्फर्म, ओन। यार एग्जाम्पल के तौर पे याद रख सकते हैं, टू ऑलवेज निगेट इज नॉट द वे टू क्रिएट व्हाट इज न्यू एंड ओरिजिनल, ठीक है, टू ऑलवेज निगेट यानी खुद को हमेशा मना करना सबसे सही तरीका नहीं है आपका कुछ नया और ओरिजिनल बनाने के लिए। नाउन क्या हो जाएगा, निगेटर, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि वर्ब में अगर आप ई आर या फिर ओ आर लगाते हैं तो क्या बनता है, नाउन, तो निगेटर आपका नाउन बन जाएगा, ठीक है, निगेट याद रख सकते हैं। अगला हमारा जो वर्ड आता है वो आता है कैपट या फिर कैपिटिस, मतलब क्या हो जाता है, हेड, कैपट या फिर कैपिटिस क्या है, हेड, सो कैप्शन, सॉरी कैप्शन नहीं, कैप्टन, ठीक है, तो कैप्टन क्या हो जाता है आपका, हेड ऑफ एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप का जो 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 आप सभी को पता है, कैप्टन मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये स्पेलिंग कैप्टन की गलत है, इसने कैप्शन लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिए, कैप्टन की स्पेलिंग होती है आपकी, ठीक है, कैप्टन, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, वो कैप्शन था, कैप्शन मतलब जो आप हेड, उसी हेड से रिलेट कर सकते हो, पिक्चर जैसे कोई आप पोस्ट करते हो उसके ऊपर कैप्शन देते हो, यानी कि उसके ऊपर जो लिखते हो कि क्या किससे रिलेटेड है, दैट इज, ये क्या है, कैप्टन, कैप्टन इज द हेड ऑफ एनी ग्रुप, किसी टीम को जो हेड करता है, लीड करता है, ही इज कॉल्ड कैप्टन। सिनोनिम हमारे क्या हो जाएंगे, एक सेकेंड, हाँ, सिनोनिम हमारे क्या हो जाएंगे, कटलाइन, लेजेंड, हेड या फिर टाइटल और हेडिंग, एग्जाम्पल हो जाएगा द कैप्टन, एक सेकेंड, हाँ कैप्टन, ये भी गलत है आपका, तो क्या ये कैप्शन ही है, इसको छोड़िए आप, ठीक, तो कैप्टन आप याद रख सकते हो इसे। अगला वर्ड हमारा आता है कैपिटल, कैपिटल क्या है, हेड ऑफ स्टेट या फिर कंट्री, जो कैपिटल क्या है आपका, जो देश की राजधानी होती है उसे आप कैपिटल कहते हैं, सिनोनिम याद रख सकते हैं, इजी वर्ड है, इसमें हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगला है कैपट या कैपिटिस क्या है, हेड, सिनोनिम आपके वर्ड आपका क्या आता है, डीकैपिटेट, डीकैपिटेट का मतलब होता है टू कट ऑफ समबडीज हेड, किसी का हेड अलग कर देना, किसी के हेड को अलग कर देना क्या हो जाता है, कैपिटेट, डीकैपिटेट करना, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, बीहेड या गिलिटेन या फिर हेड, ठीक, और एग्जाम्पल हो जाएगा ही डीकैपिटेटेड बॉडी, हिज डीकैपिटेटेड बॉडी वॉज फाउंड फ्लोटिंग इन कैनल, यानी कि उसकी बिना सर की बॉडी को कैनल में पाया गया, ठीक है, नाउन हो जाएगा डीकैपिटेशन, ठीक है, तो याद रखने को याद रख सकते हो दिस इस इमेज से, डीकैपिटेट मतलब डी मतलब रिमूव करना, कैपिटेट मतलब कैपिट मतलब हेड, तो डीकैपिटेट आ गया वर्ब बनाने के लिए, तो डीकैपिटेट मतलब टू रिमूव समबडीज हेड। अगला वर्ड हमारा आता है कैपिटुलम, कैपट से ही आया कैपिटुलम, कैपिटुलम इज अ राउंडेड प्रोट्यूबरेंस ऑफ एन एनाटॉमिकल पार्ट, ये बेसिकली हेड के एक बोन के एक हिस्से को हम कैपिटुलम कहते हैं, वो मैं आपको अभी दिखा दूंगा, मनी इज ऑन, ये इसको हटा दीजिए, कैपिटुलम आपका क्या है मैं बताता हूँ, दिस इज कैपिटुलम आपका, ये जो बोन का ये हिस्सा है दिस इज कैपिटुलम, ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला है हमारा वर्ड आपका रिकैपिटुलेट, ध्यान दीजिए, कैपिटुलेट मतलब डीकैपिटुलेट मतलब हेड को रिमूव करना, रिकैपिटुलेट, री मतलब क्या होता है, अगेन, तो रिकैपिटुलेट मतलब क्या हो गया, टू रिपीट और गिव अ समरी ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड और डिसाइडेड, जो पहले कह दिया गया है उसको रिपीट करना, उसे क्या कहते हैं, रिकैपिटुलेट करना, ठीक, सिनोनिम हो जाएगा सम अप, समराइज, सिनॉप्साइज, रैप अप, रिकैप, रिपीट, रिप्राइज या रिप्राइज, ठीक है, एग्जाम्पल, लेट्स जस्ट रिकैपिटुलेट द एसेंशियल पॉइंट, जो जरूरी जरूरी बातें हैं उनको रिकैपिटुलेट कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं,
ठीक है, तो रिकैपिटुलेट मतलब टू रिपीट और गिव अ समरी ऑफ व्हाट हैज ऑलरेडी बीन सेड, जो पहले कह दिया गया उसको रिपीट करना, उसकी समरी देना रिकैपिटुलेट हो जाएगा. रिकैपिटुलेट क्या है? वर्ब. अगला हमारा वर्ड क्या आता है? कैपिटुलेट. तो कैपिटुलेट हो गया टू एग्री टू डू समथिंग दैट यू हैव बीन रिफ्यूजिंग टू डू फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि किसी ऐसे काम के लिए एग्री होना जो आप पहले बहुत लंबे समय से मना कर रहे थे, उसके लिए एग्री होने के लिए कहेंगे कैपिटुलेट होना. सिनोनिम हो जाएगा क्विट, रिलेंट, सबमिट, सकम, सरेंडर या फिर यील्ड. और एंटोनिम हो जाएगा रेजिस्ट करना, मना करना. ठीक है, एग्जांपल, दे वर फाइनली फोर्स्ड टू कैपिटुलेट टू द टेररिस्ट डिमांड, यानी कि टेररिस्ट की डिमांड को उन्हें सबमिट करना पड़ा, उन्हें मानना पड़ा. यानी कि तीन वर्ड बताए, एक बताया डीकैपिटुलेट, किसी का सर धड़ से अलग करना, दूसरा बताया रिकैपिटुलेट मतलब समराइज करना, कैपिटुलेट मतलब किसी की ऐसी बात को मानना जिसके लिए आप पहले बहुत लंबे समय से मना कर रहे थे. ठीक है, चलिए कैपिटुलम को याद, कैपिटुलेट आप याद रख सकते हैं. सॉरी, ये वर्ड, ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है. दिस इज, हाँ, वर्ड आपका क्या हो जाएगा? कैपिटुलेट. ठीक है, तो बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना. बसंती, डोंट कैपिटुलेट टू दियर डिमांड्स, यानी कि उनकी डिमांड्स को मत मानना. कैपिटुलेट मतलब उनकी डिमांड्स के आगे समर्पण मत कर देना, उनकी डिमांड्स के आगे अपने घुटने मत टेक देना. ठीक है, याद रहेगा अब आपको, क्लियर है? कैपिटुलेट मतलब किन्हीं ऐसी डिमांड को मानना जिनके लिए आप बहुत लंबे समय से मना कर रहे थे. ठीक, अगला वर्ड है वेजिटो. वेजिटो का मतलब होता है टू लिव एंड ग्रो. ठीक है, ईजी वर्ड है आपका. वेजिटेबल्स आप सभी को पता है, सब्जियों को हम कहते हैं. एग्जाम्पल हो जाएगा द चिल्ड्रेन डोंट ईट फ्रेश वेजिटेबल. ठीक है, अगला वर्ड आता है हमारा वेजिटेशन. तो वेजिटेशन हमारा क्या होता है? वेजिटो इज अ टू लिव एंड ग्रो. वर्ड आया वेजिटेशन, टी आई ओ एन अगर किसी में आएगा तो नाउन. वेजिटेशन हम किसे कहेंगे? किसी एक एरिया में प्लांट्स इन जनरल, स्पेशली द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया और एनवायरनमेंट. किसी एरिया, किसी वातावरण में एक पर्टिकुलर टाइम पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वेजिटेशन कहते हैं. समझ में आ रही है बात? तो वेजिटेशन क्या है आपका? किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उन्हें हम वेजिटेशन कहेंगे. सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा? फ्लोरा, ग्रोथ, ग्रीनरी, हर्बेज, लीफेज या फिर वर्ड्योर. और एग्जांपल हो जाएगा डेजर्ट एरियाज आर हैव लिटिल वेजिटेशन, यानी कि जो रेगिस्तानी एरियाज होते हैं वहां पे बहुत कम आपके प्लांट्स वगैरह होते हैं. एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? वेजिटेशनल. ठीक है, तो वेजिटेशन याद रखेंगे. अगला हमारा जो रूट वर्ड है वो है सिमुलो. सिमुलो का मतलब होता है टू कॉपी, किसी चीज को कॉपी करना. अब इसमें हमारा प्रीफिक्स लगता है सिमिलिस. सिमिलिस मतलब लाइक या फिर सिमिलर. अब देखिए वर्ड क्या आता है इससे आपका? सिमुलेटर. सिमुलेट, सिमुलेट इज अ वर्ब, मतलब होता है रिप्रोड्यूस समवंस बिहेवियर और लुक्स, यानी कि किसी के बिहेवियर, किसी के लुक्स को कॉपी करना, इस सिमुलेट करना. दूसरा है क्रिएट अ रिप्रेजेंटेशन और मॉडल, किसी का रिप्रेजेंटेशन या मॉडल बनाना या फिर मेक अ प्रिटेंस ऑफ, बहाना बनाना एक तरीके से. सिनोनिम हो जाएगा अज्यूम, कॉपी, फेन, इमिटेट, मॉडल, शैम, काउंटरफीट, डिसेंबल या फिर फेक. और एग्जाम्पल हो जाएगा द वुड हैड बीन पेंटेड टू सिमुलेट स्टेन, यानी कि वुड को, लकड़ी को ऐसे पेंट किया गया है कि जैसे कि वो स्टोन लगे आपको, पत्थर लगे. ठीक है, नाउन हो जाएगा सिमुलेशन, टी आई ओ एन लगाओगे तो भी नाउन बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा. और अगर आप इसमें ओ आर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? कॉमन नाउन बन जाएगा, सिमुलेटर हो जाएगा आपका. ठीक है, क्लियर? अब सिमुलेटर आप याद रखेंगे. ठीक, याद कैसे रख सकते हो? सिमुलेटर, सिमुलेटर आपने पता होगा, जैसे जो लोग गाड़ी सीखने जाते हैं, कार सीखने पहले जाते हैं, उनको सिमुलेटर पे कार चलवाई जाती है कि एक्चुअल कार में नहीं बैठते हो आप, इस तरीके का एक सेटअप होता है जिसमें आप गाड़ी चलाते हो और आपको ऐसा लगता है आप कार चला रहे हो. सो दिस इज कॉल्ड सिमुलेटर, क्योंकि वो कार के जैसा ही बिल्कुल हूबहू स्ट्रक्चर बना देते हैं. समझ में आई बात? चलिए अगला हमारा सिमुलो से ही आता है टू कॉपी. प्रीफिक्स आ गया हमारा इसमें डिस, मतलब हो जाता है परजोरेटिव. परजोरेटिव, ठीक है, परजोरेटिव प्रीफिक्स. तो इसमें वर्ड आ गया आपका डिससिमुलेट. तो डिससिमुलेट, डिस मतलब छिपाना और सिमुल मतलब कॉपी करना. तो आप डिससिमुलेट कर रहे हो, यानी कि टू हाइड योर फीलिंग, रियल फीलिंग्स और इंटेंशंस, ऑफन बाय प्रिटेंडिंग टू हैव डिफरेंट वंस. यानी कि आप अपनी जो वास्तविक फीलिंग्स हैं, जो रियल फीलिंग्स हैं, उन्हें छुपा रहे हो जिससे कि जो आपकी एक्चुअल फीलिंग है वो पता ना लगे, उसे कहते हैं डिसिमुलेट करना.
सिनोनिम हो जाएगा डिसेंबल करना, लेट ऑन, मेक आउट या प्रिटेंड करना, और एग्जांपल हो जाएगा दे वर जस्ट डिसिमुलेटिंग प्रिटेंडिंग टू बी फ्रेंडली, वो ऐसा सिर्फ दिखावा कर रहे थे कि जैसे वो फ्रेंडली हों बट एक्चुअली थे नहीं. और वर्ब में अगर टी आई ओ एन लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, नाउन. तो डिसिमुलेशन क्या हो गया, नाउन. ठीक है, तो आपको याद होगा डिस क्या हो गया, प्रेजोरेटिव. अगला वर्ड हमारा इसी से ही आया, डिसेंबल. डिसेंबल का मतलब भी सेम ही है, आप अपनी रियल फीलिंग्स को छुपा रहे हैं और प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ सही लग रहा है. ठीक है, तो सेम आपका मीनिंग हो जाता है, डिसेंबलेंस इसका नाउन हो जाएगा. ठीक, याद रख सकते हो सिंपली आप इससे, व्हेन शी सेज आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, तो आप इनर यू ऐसे होते हो बट एक्चुअली में आप कैसे बिहेव करते हो कि ये सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक है. ठीक है, तो डिसिमुलेट और डिसेंबल का परफेक्ट एग्जाम्पल आपके सामने मिल गया है, तो आप याद रख सकते हैं इसको सिंपली. चलिए, अगला वर्ड है आपका इंटीमस. इंटीमस मतलब इनर मोस्ट, इनर मोस्ट इज कॉल्ड इंटीमस. वर्ड क्या मिला आपका, इंटीमेट. इंटीमेट क्या है आपका, एडजेक्टिव. मीनिंग हो जाएगा हैविंग अ क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप इज कॉल्ड इंटीमेट. ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा क्लोज, फैमिलियर, हिंट, इंप्लाय, इंडिकेट, इंटरमोस्ट, इनर मोस्ट, इंसिन्यूएट, प्राइवेट या सीक्रेट. एंटोनिम हो जाएगा डिस्टेंट या एनिमी फो. फॉर एग्जाम्पल एन इंटीमेट फ्रेंडशिप ग्रीव अप बिटवीन देम, उनके बीच में एक इंटीमेट फ्रेंडशिप डेवलप हुई. नाउन हो जाएगा इंटीमेशन. ठीक है, तो ये आसान वर्ड है, आपने बहुत पढ़ा होगा इसे तो पता होगा आपको. अगला रूट वर्ड हमें मिलता है लेविस. लेविस का मतलब है लाइट. वर्ड आता है आपका, इसमें रूट आपका प्रीफिक्स लगता है एड, मतलब हो जाता है टू या फिर टू वर्ड्स. मीनिंग हो जाता है एल, एल भी हो सकता है इसकी जगह. वर्ड आया एल लेविएट. एलेविएट मतलब किसी चीज को लेस सीवियर करना, यानी कि किसी के दुख परेशानी को कम करना. ठीक है, एलेविएट समबडीज पेन, यानी कि किसी के दुख परेशानी को कम करना. ठीक है, आपने वो गाना सुना है नमो नमो तू शंकरा सारे कष्ट हर लिए, तो आप उसमें याद रख सकते हो सारे कष्ट एलेविएट कर लिया. ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा एले, एसुआज, ईज, हेल्प, मिटिगेट, मॉलिफाई, पैलिटेट, रिलीव या फिर सूद. एंटोनिम हो जाएगा एग्रेवेट, एग्जेसरबेट, यानी स्थिति को बद से बदतर कर देना. इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है. दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन ग्रेटली एलिवेटेड बाई द पासिंग ऑफ द न्यू एक्ट. नए एक्ट के पास होने से ये जो समस्याएं हैं काफ़ी कम हो गई हैं. और नाउन में टी आई ओ एन सफिक्स लगेगा तो क्या बन जाएगा, सॉरी, वर्ब में टी आई ओ एन सफिक्स लगेगा तो क्या बन जाएगा, नाउन. तो एलिविएशन क्या हो गया, नाउन. ठीक है, तो एलिविएट याद रख सकते हो सिंपली. ठीक है, अगर आपने ये देखा हो प्रेसिंग योर फोरहेड कैन हेल्प एलिविएट एंजाइटी एंड स्ट्रेस इन सोशल सिचुएशन, यानी कि एंजाइटी और स्ट्रेस को कम कर सकती है अगर आप अपने यहाँ पर प्रेस करते हो. सो ये प्रेस कर लिया बेचारे ने. ठीक है, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं. जिनको समझ आया इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना अगर समझ में आया हो ये मीम. अगला हमारा रूट वर्ड है लेविस. लेविस क्या होता है, लाइट. और इसमें हमारा प्रीफिक्स मिलता है आरी. आरी का मतलब क्या है, अगेन. तो वर्ड क्या बना आपका, रिलीव, यानी कि टू रिमूव और रिड्यूस एन अनप्लीजेंट फीलिंग और पेन, किसी के पेन या फिर फीलिंग को कम करना, क्या कहलाता है, रिलीव करना. तो एल ए, एलिविएट, एसुआज, ईज, हेल्प, मिटिगेट, मॉलिफाई, पैलिटेट या सूद, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे. एंटोनिम हो जाएगा एग्रेवेट या एग्जेसरबेट, किसी की स्थिति को बद से बदतर करना. दे ट्राई टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन बाई ड्रिंकिंग, यानी कि वो सिम्टम डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं उनको रिलीव करता है, लीव करता है, कम करता है ड्रिंक करके. ठीक है, और एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, ये नाउन ही होगा, रिलीवेशन. ठीक है, क्लियर. चलिए अगला है आपका वर्ड एलिवेट. तो एलिवेट मतलब हो जाता है आपका किसी को प्रमोशन देना या किसी को ऊपर उठाना. ठीक है, एलिवेटर में आप क्या करते हो, लिफ्ट से ऊपर, नीचे से ऊपर जाते हो, तो एलिवेट करना मतलब ऊपर उठाना या किसी को प्रमोशन देना. टू गिव समबडी और समथिंग अ हायर पोजिशन और रैंक, ऑफन मोर इंपॉर्टेंट देन दे डिजर्व, जितना वो डिजर्व करते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजिशन दे देना. सिनोनिम हो जाएगा इलेट, इनैप्चर, एक्सिलरेट, इंटॉक्सिकेट या ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और एंटोनिम हो जाएगा डिप्रेस. फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्ट टू एलिवेट द स्टेटस ऑफ टीचर्स, यानी टीचर्स के स्टेटस को वो उठाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं. ठीक है, इसमें हमारा जो प्रीफिक्स रूट वर्ड प्रीफिक्स था वो ex था out, और लेविस आपका लाइट. ठीक, अगला वर्ड हमारा क्या है, लेविटेट. तो लेविटेट का मतलब क्या होता है आपका, लेविटेट का मतलब हो जाता है आपका जैसे इस ये दिस गर्ल इज लेविटेटेड, यानी कि ऊपर उठी हुई है. तो लेविटेट आपने देखा होगा ना, कुछ जादू देखे होंगे, मैं बता दिखाता हूँ आपको.
जो जैसे ये क्या है, इस जादूगर ने इस लड़की को लेविटेट कर रखा है, तो ये बिना किसी चीज के हवा में लटका देने को हम लेविटेट करना कहते हैं, ठीक है, ये पूरा जादू है, इसे लेविटेट टेक्निक कहते हैं। अगला वर्ड हमारा आता है माइजर। माइजर क्या होता है? रेच्ड, मतलब अभागा, ठीक है, और कॉन मतलब होता है टुगेदर या फिर विद, ठीक, तो इसी से वर्ड आता है आपका कॉन या फिर कॉम, मतलब हो गया टुगेदर या फिर विद। वर्ड आता है आपका कमिसरेट, तो कमिसरेट इज अ वर्ब, मीनिंग हो जाता है टू शो समबडी और सिंपथी व्हेन दे आर अपसेट और डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग, किसी को सिंपथी दिखाना जब वो अपसेट हैं या फिर डिसअपॉइंटेड हैं किसी चीज से लेकर, ठीक है, उसे हम कहते हैं कमिसरेट, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा सिंपथाइज करना, और एग्जांपल याद रख सकते हैं, शी कमिसरेटेड विद द लूजर्स ऑन देयर डिफीट, यानी कि हारने वाले पक्ष के साथ उसने अपनी सद्भावना व्यक्त की, अपनी सिंपथी व्यक्त की जब उनके हारने पर, ठीक है। और नाउन क्या हो जाएगा? कमिसरेशन, यानी टी आई एन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? नाउन, ठीक है, तो कमिसरेट याद कर सकते हो, ठीक है। इट्स टाइम टू कमिसरेट माई सैड पपी, यानी कि उसको सिंपथाइज करना, उसके साथ में अपनी भावनाओं को सिंपथाइज करने से रिलेटेड आपका आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है? वेविलो। वेविलो क्या हो जाता है? वेविलो का मतलब हो जाता है स्विंग बैक एंड फोर्थ, यानी कि ऑसिलेशन करना, जैसे इस तरफ से इस तरफ ऐसे स्विंग करना, क्या है आपका? वेविलो। वर्ड क्या आता है? वैसिलेट। तो वैसिलेट मतलब टू कीप चेंजिंग योर ओपिनियन और थॉट्स अबाउट समथिंग स्पेशली इन अ वे दैट अनॉयज अदर पीपल, यानी कि आप वैसिलेट कर रहे हैं, आप अपनी भावनाओं, अपने थॉट्स को बार बार चेंज कर रहे हैं इस तरीके से कि आप कई बार जो दूसरों को अनॉय कर रहा है, दूसरों को बुरा, मतलब उससे उन्हें दिक्कत हो रही है। सिनोनिम हो जाएगा बैलेंस आपका डिथर, फॉल्टर, हॉल्ट, हैंग बैक, हेजिटेट या स्क्रपल। एंटोनिम हो जाएगा डाइव इन या फिर प्लंज इन। फॉर एग्जाम्पल द कंट्रीज लीडर्स आर स्टिल वैसिलेटिंग बिटवीन कन्फ्रंटेशन एंड कॉम्प्रोमाइज, यानी कि जो कंट्री के लीडर हैं वो अभी भी इस बात में कन्फ्यूज हैं कि वो वैसिलेट कर रहे हैं अभी भी कि उन्हें सामना करना है स्थिति का या कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है। और नाउन क्या हो जाएगा? वैसिलेशन, ठीक है। जैसे ये लड़की कन्फ्यूज है कि ये वाला टॉप लें या ये वाला टॉप लें, ठीक है, जैसे कि आप लोग वैसिलेट कर रहे हैं, मतलब बार बार यहाँ से थॉट्स आपके चेंज हो रहे हैं, बार बार पहले कुछ और सोच रहे हैं, बाद में कुछ और सोच रहे हैं, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। अगला हमारा प्रीफिक्स होता है एमबी। एमबी का मतलब हुआ बोथ। रूट वर्ड है वेबिलो, मतलब स्विंग बैक एंड फोर्थ। वर्ड क्या आता है? एमबी वैलेंस, मतलब दो फीलिंग है आपकी और दोनों के बीच में आप झूल रहे हैं, जो वैसिलेट था ऑलमोस्ट सेम है। नाउन हो जाता है द फैक्ट ऑफ हैविंग और शोइंग बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीलिंग्स अबाउट समबडी और समथिंग, किसी के बारे में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके की फीलिंग होना, इस कहलाता है एम्बीवैलेंस, ठीक है। तो देयर वॉज एम्बीवैलेंस अमंग चर्च मेंबर्स अबाउट वेमेन बींग प्रेस्ट, तो दोनों तरीके के आपके विचार थे वहां पे वेमेन के लिए चर्च होने पर। एम्बीवैलेंट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक है। तो एम्बीवैलेंट को याद रख सकते हो सिंपली आप लोग कि जैसे यू गाइज आर एम्बीवैलेंट बिटवीन चूजिंग SSC और बैंक, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, जो अभी भी वैसिलेट कर रहे हैं, यानी कि चूज नहीं कर पा रहे हैं कि SSC करना है या बैंक करना है, सो दिस इज एम्बीवैलेंट, ठीक है। चलिए अगला वर्ड आता है ऑसिलम। ऑसिलम क्या है? स्विंग। आपको याद है, आप जो भी साइंस वाले बच्चे होंगे उन्होंने पढ़ा होगा क्या होता है ऑसिलेटर, पेंडुलम पढ़ा है आप लोगों ने, वो क्या करता है? ऑसिलेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह आता है, तो अपना फीलिंग या बिहेवियर जो लगातार बदल रहा हो उसे कहेंगे ऑसिलेट। सिनोनिम हो जाएगा हॉवर, वैसिलेट या वाइब्रेट। एग्जाम्पल के तौर पर याद रख सकते हैं हर मूड ऑसिलेटेड बिटवीन डिप्रेशन एंड इलेशन, और नाउन हो जाएगा आपका ऑसिलेशन, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स कीप इट टिल हियर। हमने इस जो किताब है इसके आपके 44 सेशंस तक कवर कर लिए हैं हमने। ओके वेट जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो हमने सेशन आपके 44 तक के कवर कर लिए हैं इसमें, ठीक है, हमने 44 सेशंस तक कवर कर लिया है, और आपके दो सेशन बचते हैं 45-46 जो कि अगले वीडियो में हो जाएंगे। तो अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आगे हमें इस बुक को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है, आप जो भी चाहते हो, ठीक है। सो लेट्स कीप इट टिल हियर। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, आपको सेशन पसंद आया हो। अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो 8299117042 नंबर पर। चलिए, सो लेट्स कीप इट टिल हियर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।